क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60 हमसे ये बोल रहा है, जो बीच में हमने जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रखा है ना, उसका एरिया अपन को दे रखा है। क्या दे रखा है, मैं लिख दे रहा हूं। हाँ, तो अपन को एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 49/3 cm² दे रखा है, और अपन को इसकी साइड नहीं दी गई है। तो अपन एक काम करते हैं, साइड एज्यूम मान लेते हैं कि ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 3/4 a² इज इक्वल्स टू 14√3। इस √3 से ये √3 कैंसिल, और ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी क्या, 49 × 4। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, √49 × 4, दैट विल बी 7 × 2, दैट इज 14 cm। तो अपने पास जो एरिया इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी जो लेंथ आ गई वो हो गई 14 cm। अब ये हमसे क्या बोल रहे हैं कि रेडियस जो है, मतलब जो इन तीनों सर्कल की रेडियस है, तो रेडियस ऑफ सर्कल, ये तीनों सर्कल आइडेंटिकल है, इज इक्वल्स टू हाफ लेंथ ऑफ ट्राइंगल। लेंथ ऑफ ट्राइंगल तो अपन ने निकाल ली 14 है, तो अपन रेडियस ऑफ सर्कल भी निकाल सकते हैं यहीं से। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू 14, दैट इज 7 cm अपनी रेडियस है, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन को निकालना क्या है, अपन को एक्चुअल में ये वाला एरिया निकालना है, ये यहां से ये वाला, ये जो एरिया ऐसा है जो ट्राइंगल के अंदर है पर सर्कल के अंदर नहीं। तो अपन क्या कर सकते हैं इसको निकालने के लिए, अपन ने इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया तो निकाल ही लिया है, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया अपन निकाल चुके हैं। अगर अपन एक सेक्टर का एरिया निकालें, उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को माइनस कर दें, तो ये वाला जो बीच का एरिया वो अपना निकल आएगा। तो अपन क्या करते हैं, अपन निकालेंगे एरिया ऑफ ऑल सेक्टर। एरिया ऑफ ऑल सेक्टर कैसे निकलेगा, 3 × 3 सेक्टर है और तीनों आइडेंटिकल है, 3 × एरिया ऑफ वन सेक्टर। और सेक्टर के एरिया के लिए चाहिए अपन को क्या, एंगल, एंगल 60 डिग्री है क्योंकि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये हो जाएगा 3 × π r² / 360 डिग्री × 60 डिग्री। 60 से ये 6 बार कैंसिल, 6 से ये 2 बार कैंसिल, तो बचा क्या, π r² / 2। r की वैल्यू 7 है ही अपने पास, तो पाई की वैल्यू क्या है, 22/7 × 7 × 7, और r की वैल्यू अपने पास 2 है, सॉरी r की नहीं, अपॉन में 2, तो 2 से ये 11 टाइम्स कैंसिल, और इससे 7 से 7 कैंसिल, तो एरिया ऑफ ऑल सेक्टर कितना आ जाएगा, 77 cm². तो एरिया ऑफ, क्या बोला है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड सर्कल इक्वल्स टू, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल नॉट इंक्लूडेड इन सर्कल इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना था, 49√3 माइनस 77। तो अपना इससे आंसर आ जाएगा 49√3 की वैल्यू, रूट थ्री की वैल्यू एक्चुअल में क्या होती है, 1.73। तो 49 × 1.73 आ जाएगा कितना, 84.87 माइनस 77। तो इससे अपना आंसर कितना आ जाएगा, इससे अपना आंसर आ जाएगा 7.87 cm². तो इतना एरिया वो है जो इंक्लूड नहीं है।